दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 प्रार्थना करने का अनुरोध। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैलने और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से सिद्ध करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। कार्य करने का उत्तरदायित्व। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने पाई हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। तुम हे भाइयों, भलाई करने में साहस न छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री को की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगत न करो, जिससे वह लज्जित हो तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अंतिम नमस्कार। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है, मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। थैंक यू।